हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स क्या गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स क्या हाल है कैसे हैं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोग कोई जवाब नहीं मिल पा रहे मुझे ओके okay. तो so देख लूँ मैं कि आप लोग मुझे कमेंट में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं ओके okay. मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे देख पा रहे होंगे सुन पा रहे होंगे सभी लोग ओके चलिए सो कौन कौन लोग हैं मैं देख लूँ एक दफ़े ओके, ऑल इज गुड ऑल गुड गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी लोग रिवान फटाफट आ चाहिए कनेक्ट हो जाइए सभी लोग फिर हम लोग बात करते हैं ओके सर चलिए गुड आफ्टरनून सर्स एंड मैम्स फटाफट आ जाइए सभी लोग फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं देखिए आज से जैसा मैंने आप लोगों से कमिट करा था कि मैं आने आपको बताया था कि आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेस है वो मैं वीक डेज पे कर दूंगा आप लोगों के कुछ रिस्पॉन्स चाहिए हालांकि आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉस नहीं दिया बट देयर वे सर्टन जेन्यून स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग दैट कि हाँ ये क्लासेस हो जाए वीक डेज में भी इसलिए मैंने इसको वीक डेज में कर दिया सो चॉइस आर योर्स आई एम ऑलवेज केयरिंग फॉर यू आई एम ऑलवेज टू केयर फॉर यू मैं आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा यहाँ पे जो हूँ मैं आपको केयर करने के लिए लेकिन मैं आप जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद अभी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं सो आई हैव अ वेल हेल्पिंग हैंड टू यू पीपल मुझे लगा कि हाँ दो चार पाँच जो भी लोग हैं जिनको भी जरूरत है वॉट द कमेंट आई आई गॉट एंड मैसेजेस आई रिसीव्ड ठीक है जो कुछ भी मुझे मिला है उन सभी के बेसिस पर मैंने आपका क्लास अभी वीक डेज में कर दिया है वीक डेज में कर दिया है ताकि दो को लेकर के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है दैट इज अंदर मिशन एज टू पॉइंट ओ एज टू पॉइंट ओ के अंदर और हमारा कमिटमेंट था कि हम लोग आपको क्या करेंगे आर्ट एंड कल्चर भी करेंगे और ये चुकी क्लासेस डिले हो रही थी देन आई आई आस्क फॉर यू की हाँ भाई बच्चों को आर्ट एंड कल्चर जाना चाहिए इसलिए हम लेकर के आपके लिए आ गए लेकिन अब आप अगर आपकी संख्या अगर यहाँ नहीं होती है देन आई एम हेल्पलेस टू हेल्प यू आउट सो आप ये जान लीजिए क्योंकि मैं कर ही सकता हूं करना तो आपको ही पड़ेगा अल्टीमेटली यू विल है थिंग्स अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता एनी वेज तो चलिए आर्ट एंड कल्चर में बात करना शुरू करें ठीक है ना एंड जूनियर बीट का प्रोग्राम आपके ऐप पे चल रहा है ये आपका कल फिर होगा क्लास कल अर्ली मॉर्निंग होगा आपका 8:30 पे पर ये आ, कौन सा होगा तो जूनियर बीट का क्लास होगा फॉर यूपीएससी दो हज़ार वाले लोगों के लिए जहां हम लोग बात करते हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक के ऊपर जहां हम लोग बात करते हैं डी बसु सर की किताब के ऊपर वहाँ हम लोग बात करते हैं सुभाष कश्यप सर की किताब के ऊपर वहाँ हम लोग बात करते हैं पीएम बक्सी सर की किताब के ऊपर में पांडे जी की किताब के ऊपर भी तो जितने भी बातें हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे शामिल करते हैं और एमसीक्यू के थ्रू हम लोग चैप्टर वाइज या समटाइम्स मिक्स करके जो मुझे लगता है कि जितना मैंने आप लोगों को मिशन आई में पढ़ा रखा है उसके बेसिस पे मैं इस क्लास को आपके लिए ऑर्गेनाइज करता हूं सो so जूनियर बीट का प्रोग्राम कल आपका साढ़े आठ बजे होगा ये क्लास आपकी लाइव हो जाएगी थोड़ी देर में अभी तक ये क्लास लाइव हुई नहीं है राइट चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कोई भी व्यक्ति जो चाहते हैं कि अभी मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर लें वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स को आप ज्वाइन अगर कर लें तो आपको पवन टेन का कोड अप्लाई करना है इस कोड को अप्लाई करें एंड ज्वाइन माई कोर्स ठीक है ना आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं यू विल गेट टेन ऑफ डिस्काउंट ठीक चलिए इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी ये छोटी सी जानकारी मेरे बारे में मोर देन ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स गुड प्लानर फॉर एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजिस्ट मॉक इंटरव्यू पैनलिस्ट एक्सपर्ट मॉक इंटरव्यू पैनल में भी रहा हूं सो मोर देन फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट आई 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 इन फैक्ट सो फार चलिए नेक्स्ट आ जाइए अभी हम लोग बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के मास्टर्स अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स के ऊपर 2020 को लेकर 2020 को लेकर हम लोग बात, लो बात करेंगे 8, 9 ना? 9 को हम लोग बात, लो बात करते हैं उन अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स को लेकर जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है दो के एग्जामिनेशन में तो जिन लोगों तक अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंची स्टिल यू हैव डेज इन योर हैंड

उसने कुछ भी नहीं किया है फ्रेशर्स हो कोई भी फ्रेशर तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कोई हाउस वाइफ है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर आपको यू विल गेट हियर लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज एंड आउट लियरिंग सेशन ठीक है वॉट यू हैव टू डू जस्ट जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएँ तो आप पवन टेन का ये कोड अप्लाई करें ठीक है यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड साथ ही साथ आपको मेरा मेंटोरशिप मिलेगा मेरा गाइडेंस भी मिलेगा ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं ठीक है चलिए आ जाइए सो आइए कल हम लोग बात करें जैनिज्म के ऊपर में लॉर्ड जना के ऊपर महावीरा के ऊपर में बहुत सारी बातें हमारी कल हो रखी थी आगे हम लोग बात करना शुरू करेंगे आज हम लोग जैनिज्म में ही हम लोग जैनिज्म के बारे में कल हमारी बातचीत शुरू हो चुकी थी मैंने आपसे ये बताया था कि जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकरों की परंपरा है चौबीस तीर्थंकर के बारे में मैंने आपको डिटेल दिया था बताया था कि कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिर हमने महावीरा के बारे में भी कुछ बातें करनी शुरू करी थी कि महावीरा को हम लोग कई नामों से भी जानते हैं जैसे आप जानते हैं केवलिंग जानते हैं जिना जानते हैं निग्रंथ जानते हैं अरहंत जानते हैं ये सारी जो जो है जो नाम दिए गए हैं वो महावीर को दिए गए हैं क्यों दिए गए हैं इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई थी क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछने को मिलता है व्हाट डज इट मीन आई मीन बाई निग्रंथ जिना या फिर अगर बात करें झरा इन सबों का मतलब क्या होता है इन सबों के ऊपर हमारी बातचीत हो रखी है मैंने बताया था आपसे कि किस तरीके से जो जैन धर्म है

इसमें कहा गया है कि जीवन में पांच कंस्ट्रेंट्स इन लाइफ हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है ठीक है अब आइए हम लोग बात करते हैं फिलोसफी इन उसमें एक है अनेकांतवाद वन इज योर अनेकांतवाद इट इज द फिलोसफी ऑफ इसमें बताया गया है कि

कि कोई भी अगर चीज है तो उसका एक का सत्य उसका एकमात्र कारण नहीं होता है उसके कई कारण है सो इट हैज डिफरेंट अट्रीब्यूट अगर मान लें कि ये अगर है ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके एग्जिस्टेंस का एकमात्र सत्य नहीं है बल्कि इसके अनेक सत्य हो सकते हैं इसके होने के एक कारण नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड अनेकांतवाद सो कोई भी वस्तु है कोई भी चीज है कोई भी अगर नेचर के बारे में बात हो रही है तो उसके होने का एकमात्र सर्व जो है सर्वान्य सत्य नहीं हो सकता कोई एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो सकता बल्कि उसके कई आयाम होते हैं कई एट्रीब्यूट होते हैं कई उसके गुण हो सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड अनेकांतवाद फिलोसफी इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में यह डिनाई करता है ठीक है और यह बताता है कि नेचर जो है जो नेचर नेचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जिस्टेंस का एकमात्र सत्य नहीं है जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वाई नेचर एग्जिस्ट इसके होने के कई कारण हैं इसके कई एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है सो दिस इज द फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद सीधा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अनेकांतवाद जो फिलोस है वो किस रिलीजन से जुड़ा हुआ दैट इज बुद्धिज्म जैनिज्म एटसेट्रा ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है सो अनेकांतवाद एंड व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ दैट जो मैंने आपको बता दिया कि इट इज मल्टीपल ऑस्पेक्ट हैं दैट इज इसके डिफरेंट अट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंट अट्रीब्यूट दैट इज कॉल मल्टीपल आस्पेक्ट होते हो सकते हैं सो हैंस देर एग्जिस्ट नॉन दैट एब्सोलिटिज्म नॉन एप्सलिटिज्म का एग्जिस्टेंस होता है

आपके पास है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ठीक है दैट इज राइट 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 बिलीफ नॉलेज एंड कंडक्ट सो आर थ्री जेम्स ऑफ बुद्धिज्म जबकि आपको मालूमिज्म जब को मालूम है कि बौद्ध धर्म में तीन जो रत्न थे तीन आपके पास जो जेम्स हैं वो बोला गया थ्री रत्न बुद्धा धम्मा एंडा यहां अगर हम लोग बात करते हैं कि थ्री जेम्स कौन कौन से जैनिज्म के अंतर्गत दैट इज कॉल राइट बिलीफ नॉलेज एंड योर राइट कंडक्ट दैट इज कॉल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र ठीक है सो दीज आर द्री जेम्स ऑफ जर्निज्मी अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट किंग ही रहे हैं जर्निज्म को लेकर के जिन्होंने जैन धर्म को पैटर्नाइज किया है उसे संरक्षण प्रदान किया है तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले, ले लेते हैं सर ठीक है तो उसमें एक जो नाम है आपके पास वो है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ठीक है ना चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य अपने लेटेस्ट इज ऑफ लाइफ में ना अपने जीवन के अंतिम चरण में जो अंतिम चरण होता है इनका ठीक है ना इस चरण में ये क्या करेंगे जैन धर्म को स्वीकार कर लेंगे जैन धर्म को स्वीकार कर लेंगे और एक जैन भिक्षु है जिसका नाम है भद्र बाहू ठीक है ना भद्र बाहू इसके नेतृत्व में ये क्या करेंगे जैन धर्म स्वीकारने के बाद दक्षिण चले जाएंगे दक्षिण साउथ इंडिया चले जाएंगे साउथ इंडिया में भी जाते हैं जहां है वह जगह है वो है आपके पास कर्नाटका श्रवन बेलगोला इन कर्नाटका वेंट टू श्रवन बेलगोला इन कर्नाटका ये वहां चले जाएंगे किसके नेतृत्व में तो भद्र बाहु के नेतृत्व में अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बाहु ही वेंट टू श्रवण बेल इन कर्नाटका ठीक है ना और यहां जाने के बाद उन्होंने एक जाना प्रैक्टिस है जैन धर्म का एक प्रैक्टिस है जिसमें कि अपने यहां अपने शरीर को आप क्या करेंगे भूखा रख के अपने शरीर का त्याग करेंगे दैट इज कॉल्ड संलेखना जिसको हम लोग बोलते हैं संलेखना या संथरा ठीक है ना संथरा <coughs> सो ये क्या करेंगे अपने लाइफ को एंड करेंगे बाय ऑब्जर्विंग सन लेखना और सन थरा ग्रेजुअल स्टारवेशन टिल डेथ ठीक है ना आपको ये मालूम है कि आपके पास जान धर में एक बात बताई गई है एक था अस्थे अपरिग्रह इसमें बताया गया था अपरिग्रह में कि आप उतना ही संचय करें जितने आपकी जरूरत है लेकिन अगर किसी को ये बात का विश्वास हो जाए या उसे ये लगने लगा है कि अब उसे इस धरती को छोड़ के चले जाना है इस शरीर का त्याग करना है तो उसे खाने पीने की भी जरूरत नहीं है किसी भी चीज को संचय करने की जरूरत नहीं है और वो आत्मसर्ग करेगा ठीक है दैट दैट इज इज कॉल्ड स्टार्वेशन टिल डेथ डेथ द प्रैक्टिस इन जैनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं संलेखना या संथरा तो जैन धर्म को में आने के बाद जब वेन चंद्रगुप्त मौर्य केम इन टू द फोल्ड ऑफ जैनिज्म तो वो क्या करेगा भद्रबाहु के नेतृत्व में साउथ इंडिया चला जाएगा और साउथ इंडिया में जाकर के सरवन बेलगोला नामक स्थान पर जो कि कर्नाटका में मैसूर के नजदीक है वहां संलेखना या संतरा पद्धति से अपने शरीर का त्याग करेगा ठीक है एक चीज और याद रखेंगे जब आप लोग जानते होंगे एंशियंट इंडिया में आपने पढ़ा भी होगा तो यहां मैं बता दूं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में तो आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था एक अकाल पड़ा था कहां पर में तो वो पाटलिपुत्रा में पाटलिपुत्र में पूरे मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस अकाल के कारण जैन धर्म में भी क्या होता है आप देखेंगे सिज्म आएगा, यानी कि भेद होगा, विभाजन होगा मैं उम्मीद करता हूँ समझ पा रहेना so, uh, और संथारा ठीक है अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म के भी कई सेक्ट हैं सेक्ट्स अंडर जैनिज्म अब जो उसका बेटा है पौरिका वो है बिंदुसारनवीम फर्स्ट जैना काउंसिल जो बिंदु सर है वो क्या करेगा प्रथम जैन संगति का आयोजन करता है ये करता है कहा पाटलिपुत्र में दो सौ निन्यानवे बीसी के अंदर पाटलिपुत्र दैट इज यू आइडेंटिफाई इट है पटना ठीक है और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्रा ने स्थूल भद्रा ने ठीक है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अकाल के कारण जो अकाल पड़ा था जो फमाइन पड़ा था जो अकाल हुआ इस अकाल के कारण मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग समझ पाए इसे बेहतर तरीके से जो ये अकाल हुआ इस अकाल के कारण होता क्या है कि ये जो है जैन जैन भिक्षु भिक्षु है भिक्षु। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपसे बताया कि इनकी जो फिलोसफी है वो अस्थय की है अपरिग्रह की चोरी नहीं करने की है संग्रह नहीं करने की है तो ये जो भाग भिक्षु है वो क्या करते हैं भिक्षा टन करेंगे यानी कि भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाएंगे जो थोड़ा बहुत मिल गया उसे अपना जीवन यापन करेंगे और जो इनका कार्य है धर्म के बारे में बात करना वो सारी चीज करेंगे उपदेश देंगे चिंतन मनन करेंगे एक्सेट्रा करेंगे ठीक है तो ये भिक्षु हैं इनके पास कोई संपत्ति नाम की कोई चीज तो है ही नहीं इनके पास कुछ होता नहीं है लेकिन जैसे ही अगर जहां पर भी आप देखेंगे कि जैन धन की उत्पत्ति होती है या जहां पर इसकी इसका जो है पूरा पूरा का वर्कशॉप होता है वहां पर मैं अकाल आ गया यानी कि खाने के लाले पड़ गए तो वहां पर जितने भी जैन भिक्षु होंगे तो उन सबों के ऊपर में अस्तित्व का संकट आ जाएगा जीवन उनके खतरे में आ जाएगी इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जैन धर्म का एक जो मतलब जो जैन समुदाय के कुछ लोग क्या है यहां से दूसरी जगह चले जाए जहां पर में क्या है कि आपके पास क्या है? खाने पीने का चीज अवेलेबल होगा तो यही एक जो टोली होता है जैनों का वो चला जाता है के नेतृत्व में साउथ इंडिया और एक जो है वो हैद्र के नेतृत्व में, में रह जाएगा वो में रह जाएगा पाटलिपुत्र के अंतर्गत ठीक है तो स्थूल भद्र यही जो पाटलिपुत्रा में था यही स्थूलभद्र है वो क्या कर रहा है प्रथम जैन संगति का क्या करेगा की अध्यक्षता करेगा जिसको बुलाया गया है बिंदुसार के द्वारा पाटलिपुत्रा में दो सौ निन्यानवे में क्योंकि स्थूल भद्र अपने जैन भिक्षुओं के साथ वह कहां रह जाता है मगध में रह जाता है और चला जाता है चला जाएगा दक्षिण भारत में कर्नाटका में फ्यू बुक्स रिटेन इसमें से क्या होता है कि इसी प्रथम जैन संगति के दौरान आप देखेंगे कि चौदह पूर्व की रचना की गई थी चौदह पूर्व की रचना की गई थी इसको बोलते हैं हॉली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म जो मोस्ट है जो जैन धर्म का जिसको बोलते हैं पूर्व जिसको अगर हम लोग बात करें प्राकृत भाषा में पूर्व पूर्व ठीक है पुर्व, पुर्व, अब यहां बताया गया कि चौदह पूर्व हैं ठीक है चौदह के चौदह पूर्व हैं जिनकी रचना प्रथम बौद्ध संगति के अंतर्गत की जाती है, है उसके बाद हम देखेंगे दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो आपके पास है सेकेंड जाना काउंसिल इसको पांच सौ बारह ईस्वी बुलाया जाता है गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता करने वाले होंगे देवर्धि क्षमा श्रमण देवर्धि क्षमा श्रमण इट वॉज By देवर्धी चमा, देवर्धी चमा और ये जिसके नेतृत्व में होता है जिसके संरक्षण में होता है बाई चालुकर्स तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था और इसी दूसरी बौद्ध संगति के दौरान आप देखेंगे क्या कि जो जैन धर्म है उसके बीच में दो फॉर्मल यानी कि आप देखेंगे औपचारिक रूप से दो सेक्ट का क्या होता है राइज होना शुरू हो जाता है दो फॉर्मल सेक्ट आपके पास चले आते हैं ठीक है वो कौन कौन सेक्ट है तो एक है आपके पास श्वेतांबर ठीक है और दूसरे होते हैं आपके पास दिगंबर ठीक है श्वेतांबर का मतलब क्या है श्वेत ये जो शब्द है दाट का मतलब है श्वेत श्वेत का मतलब व्हाइट अंबर ठीक है ना यानी कि व्हाइट क्लाइडेट यानी कि ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर क्या करेंगे व्हाइट क्लाडेट जो कि अपने ऊपर क्या करेंगे रखेंगे वो श्वेत का वस्त्र धारण करेंगे दैट इज श्वेतांबर दैट इज कॉल व्हाइट क्लाडेड ठीक है ना व्हाइट क्लाइड इसको बोलते हैं व्हाइट क्लाइडेड होंगे इसलिए व्हाइट क्लाड्स इनको बोला गया व्हाइट क्लाडेड ना ये व्हाइट क्लैडेड हैं लोग ठीक है सो तो इनको व्हाइट क्लैड्स बोला गया श्वेतांबर और इनके जो अध्यक्ष हैं वो होंगे कौन वो आप जानते हैं वे हैं फूल भद्रा तो ये जो श्वेतांबरस हैं ये कौन है ये लीबरल फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म है एंड दे यूज्ड टू वेयर व्हाइट क्लॉथ्स ठीक है व्हाइट क्लॉथ्स आपने देखा होगा कि जैन धर्म में इस बात की परंपरा रही है कि वो अपने ऊपर कुछ भी रखते नहीं है कुछ भी संग्रह नहीं करते हैं। तो अभी भी जो जैन भिक्षु होते हैं जो मॉन्क होते हैं दे कीप देम सेल्फ नेकेड ठीक है ना क्योंकि उनको किसी चीज की लालसा नहीं किसी चीज की इच्छा नहीं कुछ भी उनके पास नहीं होता है जो आइडेंट जो स्वतांबर्स हैं तो ये इन्होंने क्या कह लिया कि यहां पर में जो स्वतांबर्स हैं इस समय उन्होंने थोड़ा सा लिबरल अप्रोच अपना लिया जब मगध में थे जब बात भिक्षु जो जैन भिक्षु थे जब अकाल पड़ा था और ये लोग यहां मगध में रह रहे थे तो इन थोड़ा सा लिबरल स्टैंड ले लिया जिन्होंने क्या किया कि श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर, so कर दिया दैट इज कॉल्ड स्वेतर सो दे बिकम लिबरल फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म टू क्लॉथ्स अब इन लोगों ने चार व्रस्ट्रेन को मानना शुरू कर दिया ठीक है ना एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य इन्होंने क्या किया जो पांच महाव्रत हैं जो दिए गए थे जैन धर्म के अंतर्गत पार्श्वनाथ और ब्रह्म, आगे महावीर स्वामी के द्वारा इन समय में से चार को उन्होंने मानना शुरू कर दिया एक जो अंतिम था जिसको महावीर ने जोड़ा था उसको ब्रह्मचर्य को उन्होंने मानना बंद कर दिया यानी कि उन्होंने क्या किया महावीर के जो आइडियाज थे जो सत्य थे आर्य सत्य थे या जो ग्रेट वोल्स थे जो महाव्रत थे उसमें को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया ठीक है और जो स्थूलभद्र है उसके ग्रेट एक्सपोनेंट है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में स्वतांबर का फॉलो होगा अब आपके तो आप यहां आप आप कोई भी क्या हो सकता है वो मैन और वुमेन कोई भी तीर्थंकर हो सकता है अब इसमें बताया गया जानधन के अंतर्गत पांच इंटरनल सब्सटांसिस होते हैं एक होता है एग्जिस्टेंस के लिए यानी कि अस्तित्व में होने के लिए किसी भी चीज के पास

मुझे लगता है कि शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है सो आई विल इट मुझे बताएं आप लोग कितने लोग वॉच कर रहे हैं मैं देखना चाहूँगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आप बताएं कि क्यों मैं गला फार फार के चिल्ला रहा हूं आप लोगों को इसकी जरूरत है या नहीं है मुझे प्लीज बता दीजिए अगर आपकी जरूरत नहीं है तो खामोखा मैं अपने ऊपर एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के मैं क्लियर करता चला जा रहा हूं आप लोगों के लिए और इतनी डिटेल्स आपसे बात में कर रहा हूं ये ठीक नहीं है मुझे लगता है कि मैं एक दिन पचार्य रूप से इस क्लास को समाप्त कर ही दो नहीं तो सभी लोग प्रकट होके रहे हैं मुझे प्रकट देखने चाहिए कम से कम हां इतने लोग हैं जो देख पा रहे हैं मुझे लाइव चाहिए लोग ठीक है और आपको मैंने कितनी दफे बोला है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने अगर कोई चीज लेकर के आ रहा हूं आप देखिए कैसे किसी चीज की पॉपुलैरिटी कैसे पता चलती है मुझे कैसे पता चलेगा वास्तव में आपकी जरूरत है आप इतने सारे लोग होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे हैं आप लैक में हैं लैक्स में हैं आप लोग और वनली लेस देन फिफ्टी पीपल आर वॉचिंग दिस सेशन तुम्हें क्या मानूं कि ये जो केवल 47, 45 लोग हैं यही लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए क्या ये वही लोग हैं या मैं ये मान के चलूं कि ये लोग जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता है जो इस सेशन को देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं अपना सब कुछ ऑफ ऑफ करके कमेंट ऑफ करके देख रहे हैं ये कैसे हो जाए इट इज नॉट नॉट राइट नहीं इसका मतलब जो आपकी जरूरत होगी आप उसी जरूरत के हिसाब से काम करेंगे ना ठीक है मुझे इससे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है या आपकी जरूरत है या नहीं है मुझे ये समझ में आ रहा है इसका मतलब कहीं जरूरत आपकी किसी और चीज की है तो आप उस पर कंटिन्यू करें फिर तो मैं अपना यहां गला फार फाड़ के चिल्लाना बंद कर दूं हाँ? अब बताएं कि मैं क्यों करूं फिर आपके लिए अगर आप लोग सारे लोग हैं ही नहीं तो फिर इसे रहने का कोई मतलब ही नहीं है मैंने वीक डेज से वी, वीकेंड से वीक डेज पे कर दिया कि हां ठीक है जितना हो सके मैं मैक्सिमम करवा दूं ठीक है इट्स वेरी बैड इट्स नॉट गुड ये सही नहीं है इट इज नॉट राइट चले फिर आगे

तो आप देखिएगा कि जो दिगंबर है वहां पर लोग अपने आप को नग्न रहते थे ये अभी भी जो आ, जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है जैन धर्म का यानी कि जो महावीर स्वामी है उनकी विचारधारा में विश्वास रखते थे और ये अपने आप को अभी क्या रखते थे नंगे रखते थे लेकिन जो महिलाएं होती थी जो भिक्षुणियां होती थी वो अपने आप को व्हाइट कलर के साड़ी में जो एनस्टीज होता था उसमें अपने आप को लपेट के रहती थी और उस कपड़े को बोलते हैं अरियस ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर प्रोलेम्स स्टेट इन कर्नाटका ये लोग कहाँ रहते थे कर्नाटका में रहते थे फॉलो फाइव कॉन्स्टेंट्स एक्सपोनेंट दैट इज कॉल भद्र बाहू इसके जो मिक्स एक्सपोनेंट है वो कौन है भद्र बाहू जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है बिलीव वोमन कैनोट बी तीर्थंकर्स एंड मल्ली वॉज अ मैन और ये माना जाता है कि मल्ली के बारे में जो हमने बताया कि जो नाइनटीन तीर्थंकर है वह मल्लीनाथ वो एक महिला है ठीक है ना ये दिगंबर में इस परंपरा को नहीं माना जाता स्वीकार नहीं किया जाता है और दिगंबर परंपरा में जो मल्लीनाथ जो कि एक महिला तीर्थंकर थी उनको एक पुरुष के रूप में माना जाता है स्वीकार किया जाता है यह हमें इतिहास के बारे में बात करना है ठीक है अब आइए सिमिलरिटीज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में थोड़ी सब लोग चर्चा कर लें कि इन दोनों के बीच में क्या 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 है समानता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को लेकर के बोथ आर ब्रांचेस ऑफ श्रमन ट्रेडिशंस ठीक है ना दोनों के दोनों क्या है श्रमण परंपरा श्रमण यानी कि ये क्या है मॉन्ग्स हैं Uh, की शुरुआत आप जानते हैं पूर्वी भारत से हुई है मगध में हुई है बिहार से हुई है ठीक है और इन सबों का जो आपको देखेंगे कि आ, जो आंदोलन शुरू किया है छत्रियाल मैंने आपको जब ये धर्म के बारे में बात बताना शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि छठी शताब्दी ईसापुर में जो वैदिक धर्म के प्रति जो प्रतिक्रिया आपको दिखाई देती है

बौद्ध धर्म ने पूरी तरीके से जो जाति व्यवस्था है उसको रिजेक्ट किया जैन धर्म है।, है जो कि आप देखेंगे जाती जो है, वो हिंदू धर्म की एक व्यवस्था थी जिससे बौद्ध धर्म ने अपने को बिल्कुल अलग कर लिया मुक्त कर लिया विमुक्त कर लिया फ्री कर लिया लेकिन जैन धर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो जैन धर्म बहुत हद तक जो हिंदू परंपरा है उसमें क्या करता है अपने को बिलीव रखता है सो जैनिज्म डिड नॉट ऑल इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम द हिंदुजम इन जैनिज्म इनिशियली दे यूज टू एम्प्लॉय ब्राह्मीण प्रिस्ट इन साइड दियर टेम्पल ठीक है ना और जैन धर्म में आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जो ब्राह्मीण प्रिस्ट होते थे यानी कि जो ब्राह्मीण पुजारी होते थे इन सबों के जैन मठों में उनको पुजारी के रूप में नियुक्ति की जाती थी उनको नियुक्ति मिलती थी सो दीज आर सर्टन रीजन जो आप देखेंगे आर द ऑफ बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ठीक है चलिए आगे हम लोग आइए बात करना शुरू करें स एज अस ऑफ रेवोल्यूशन दोनों को लगता है, क्या है? कि क्रांति के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए हमें अहिंसा का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए प्लांट लेकिन अब देखेंगे अहिंसा को लोके दोनों के विचार यानी कि जैन धर्म और बाबध धर्म में काफी व्यापक अंतर आपको दिखाई देगा वो क्या है कि जैन धर्म क्या करता है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है अहिंसा को लेकर के नॉन वायलेंस को लेकर के वहां तक आपने देखा होगा कि जैन धर्म के जितने भी लोग हैं वो अपने चेहरे पर मास्क लगा के भी चलते हैं वो इसलिए कि अगर वो जो सांस ले रहे हैं तो जो आसपास जो जीव है जो आपके वातावरण में है वो आपके इनहेल्थ के साथ यानी कि सांस लेने के साथ साथ क्या चला जाएगा आपके नाकों में चला जाएगा फंस जाएगा और म्यूकस में ट्रैप हो सकता है म्यूकस में ट्रैप हो सकता है अगर म्यूकस में ट्रैप अगर हो गया ठीक है ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये हिंसा माना जाएगा

ठीक है है चलिए डिटेल में हम लोग लोग सभी लो बात करेंगे मैंने आपको बता रखा मेरे आर्ट कल्चर की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी और इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है आर्ट एंड कल्चर जो कि बहुत तरीके से मैंने आप लोगों को करवा रखा है आप लोग ज्वाइन कीजिए कोर्सेस को फटाफट मैं आर्ट एंड कल्चर भी आप लोगों का वापस फिर से करवाऊंगा ठीक है ना फिर से शुरू करूंगा और आप लोग यू विल एंजॉय दैट ठीक है सो इतनी सारी बातें अभी तो बहुत संक्षेप में सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि हमें प्रेम्स के लिए बात करना है मेन्स के लिए हमें बात भी नहीं करना लेकिन अभी जो आपको जो बेसिक फंडामेंटल है जिससे कि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो केवल और केवल फैक्चुअल बेस पे ही नहीं बल्कि इन दोनों के बीच में जो मौलिक अंतर है जो मौलिक समानता है जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है एंड जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है टू रिलीजन एंड इन दोनों के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी कैसे ये हिंदुइजम से इन्फ्लुएंस्ड है कैसे नहीं है ये सारा का सारा जो एस्पेक्ट है वो यूपीएससी कवर करता है अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कवर ब्रॉडली एस्पेक्ट और यही वजह है कि आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले धर्म को उठाया है क्योंकि धर्म से कई ऐसे दार्शनिक पक्ष हैं जहां से प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं यू ऑलवेज फाइंड अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन इन इन योर एग्जामिनेशन ठीक है इज इट क्लियर सर So, फटाफट मुझे बता दिए ठीक है सभी लोग समझ गए इतनी बातें इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स चलिए अब भाई हम देखते हैं कि जैन धर्म में पीपल प्रैक्टिस एक्सट्रीम पेनांसिस ठीक है ना यानी कि ज्यादा वो क्या करते हैं अपने आप को दंड देने का एक्सट्रीम पेनासिस है

फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द सोल यानी कि आत्मा के प्रश्न को लेकर के बाद धर्म और जैन धर्म में क्या बात की गई है कहा गया कि यहां आत्मा का अस्तित्व है जैन धर्म में स्वीकार किया गया कि आत्मा एग्जिस्ट करती है जीव का अजीब से जो मिलन है जीव और अजीब के बारे में बात की गई है ठीक है जबकि धर्म में अनात्मवादी है वो सोल में बिलीव नहीं रखता है बल्कि वो केवल केवल ट्रांसफर ऑफ एट्रीब्यूट में विश्वास रखता है जो वर्चुअज है उसके ट्रांसफर में विश्वास रखता है हस्तांतरण में विश्वास रखता है लेकिन यहां अगर हम बात करें जनिज्म के अंतर्गत तो ये जीव और अजीब यानी कि सोल का आत्मा का परमात्मा से मिलन परमात्मा आत्मा का परमात्मा से मिलन के बारे में बात की गई अकॉर्डिंग टू देम नॉट ओनली लिविंग बींग्स कॉल जीवा बट ऑल्सो नॉन जो लिविंग बींग्स है ना अजीवा डू हैव द सोल इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी चीज धरती पे देखते हैं इस सृष्टि में देखते हैं चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो हर किसी में क्या है आत्मा निवास करती है आत्मा है

ट सेल्फ बल्कि यहां पर क्या है कि जो आत्मा है वो एक गुड वर्चू है जिसका स्थानांतरण होता रहा है जिस तरीके से ये जो रोशनी है ये दूसरे को रोशन करती है उसी तीसरे को एंड इट इज की कंसेप्ट ऑफ सोल इनिज्म बुद्धिज्म बिलीव इन परमानेंट सेल्फ द ट्रांसमाइ्रेशन ऑफ सोल इन बुद्धिज्मेड थ्रू द एक्साम्पल ऑफ बर्निंग कैंडल इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स फटाफट मुझे प्लीज बताइए ज इट क्लियर और नॉट तो आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया है ठीक है ना चो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस देखेंगे कि बौद्ध धर्म को के प्रचार और प्रचार में एक मिशनरी जल दिखाई देगा आपने देखा होगा जितने भी इसके पैटर्न किंग्स रहे हैं चाहे वो आपका अशोका रहा हो अशोका ने भी मिशनरी जिल को एक्सप्रेस किया है एक्सप्रेशन दिया है जब वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को लेकर के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से बौद्ध बोधि वृक्ष के डाली को लेकर के उसे श्रीलंका भेजता है अनुराधापुर भेजता है ठीक है ना बहुत सारे लोग हम तक निकाई में जाते हैं ठीक है ठीके? बहुत सारी जगहों पर लोग जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी जो मिशनरी जिल है ना वो आपको जैनिज्म में नहीं दिखाई देगा जैसा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत दिखाई दिया था ठीक है सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसिस बिटवीन बौद्धिज्म एंड जैनिज्म आई होप कि ये आप लोग कर पाएंगे अब हमें जो नेक्स्ट चर्चा करना है वो करना है हिंदू धर्म के ऊपर में आज हमारा धर्म में जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उसकी दोनों की समाप्ति हो जाती है अब हमें बात करना है हिंदू धर्म के ऊपर में हिंदू धर्म हिंदुइज्म के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं राइट सो so, देखिए क्या है <coughs> आपको ये मालूम है कि जो हिंदू धर्म है जो हिंदुइज्म है हमारे यहाँ का वो अपने देश का वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन है ठीक है ना हैविंग वेराइटी कर्ल्स वेराइटी ऑफ कर्ल्स एंड सेक्स आप देखेंगे इस हिंदू धर्म के फोल्ड के अंतर्गत

टू ट्रेस द ऑरिजन ऑफ हिंदुजम आप वैदिक रिलीजन को कर सकते हैं वैदिक धर्म को आप क्या करते हैं ट्रेस कर पाएंगे लेकिन वास्तव में हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहा होती है ये ट्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है हाँ हम ये मानते हैं कि हमारा जो आधार है वो है वैदिक धर्म तो हम लोग वहां से भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन अगर बात करें हिंदुत्व के बारे में हिंदुइज्म के बारे में तो कैसे आया किस वक्त इसकी शुरुआत होती है इट इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई एन अंडरलाइन ठीक है तो मैं यही कह रहा था कि अभी होता क्या है कि आप देखें क्या कि जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है आप जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए यूरोपियंस इनफैक्ट इंडिया में आए तो आपने देखा है कि सिंधु नदी को उन लोगों ने इंडस कहना शुरू कर दिया हिंदू कहना शुरू कर दिया और यहां के जो लोग रहते थे जो इसके चारों तरफ जो ज्योग्राफिकल एरिया में द पीपल हुए इन एंड अराउंड द रिवर इंडस सिंधु नदी के सारे क्षेत्र में जो लोग रहते थे उन सभी को इन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया हिंदू कहना शुरू कर दिया हिंदू ठीक है सो दिस इज हाउ आप देखेंगे क्या कि हिंदू क्या होता है आपका अस्तित्व में चला आता है और हिंदू ने हिंदुओं ने जिस धर्म को स्वीकार किया जिस धर्म का इन्होंने क्या किया इसका प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म दैट इज कॉल्ड मोस्ट ऑफ द हिंदू फिलोसॉफिकल स्कूल्स अग्रीड दैट मैन शुड स्ट्राइव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फोर गोल्स और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में इस बात की परंपरा रही है कि जो अधिकांश फिलोसफर्स हैं जो दार्शनिक हैं हिंदू धर्म के वो ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो स्कूल्स ऑफ हैं हैं थॉट्स कि है थॉट जीवन के चार लक्ष्य होते हैं इन चार लक्ष्यों को बोला गया है पुरुषार्थ यानी कि कोई भी अगर हिंदू फोल्ड के अंतर्गत है तो इन चार लक्ष्यों को यानी कि इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने का उसका क्या है उसका अंतिम उद्देश्य होता है उनका अंतिम लक्ष्य होता है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि पुरुषार्थ पुरुषार्थ इज वॉट वॉट इज कॉल्ड पुरुषाद था सो इन ईच एंड एवरी या मोस्ट ऑफ द फिलोसफिकल स्कूल्स हैं ऑफ हिंदुइजम के दे एग्रेड फॉर दैट कि वन शुड

इंग्लिश में तो सेक्युलरिज्म इज़ ओके हम लोग समझ लेते हैं इंडिया इज नॉट अ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इंडिया इज अ पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बट इंग्लिश में इट इज सेक्युलर सो जब इंग्लिश में जाते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म सो सेक्युलरिज्म सेक्यूरिज्म इंडियन सेक्युलरिज्म एनीवेज अभी जो मेरा अभी है इस वक्त जो मैं लेके आया हूं तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि धर्म के बारे में मैंने बता रखा है कि इट इज कॉल्ड कर्मा दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन दैट इज कॉल्ड सोशल रेगुलेशन दैट वन शुड फॉलो दैट वन शुड मेंटेन विद दैट ठीक है जैसे पुत्र धर्म पिता धर्म गुरु धर्म एक्सेट्रा तो ये धर्म की बात होती है सो व्हाट एग्जैक्टली धर्म इज रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर यानी कि समाज में

किसी भी व्यक्ति के लाइफ में चार स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और आपके पास होता है सन्यास ठीक है तो आप देखेंगे जो कि वानप्रस्थ आश्रम है उसमें आपको क्या करना अर्थोपार्जन करना होता है अगर अर्थ यानी कि पैसा अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं होगा तो जो आपके ऊपर जो धर्म है जो आपको धर्म करना है जो आपको परिवार चलाने का धर्म है पुत्र के प्रति जो धर्म है पत्नी के प्रति जो धर्म है जो आपके बूढ़े माता पिता के प्रति आपका धर्म है जो आपके जो भी आपके पूर्वज है उनके प्रति का जो धर्म है उन सभी को करने में आप क्या हमें सक्षम नहीं हो पाएंगे तो धर्मो एक ये बताया गया एक बहुत बड़ा ये जो है ये आपके अर्थ अर्थोपार्जन अर्थोपार्जन यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपके पास होनी जरूरी है इसके लिए आपको स्ट्राइव करना चाहिए दैट इज वॉल अर्थ ठीक है सो वन इज धर्म टू मेंटेन सोशल ऑर्डर अदर इज अर्थ ये आपको पैसा कमाना चाहिए ताकि आपके प्रति जितने भी आपके पास कर्मा है जो धर्म है उसको आप क्या कर देंगे निपटाएंगे कामा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कामा क्योंकि इससे क्या है कि आपका जनरेशन मूव ऑन करता है जनरेशन मूव करता है ठीक है जनरेशन मूव करता है ठीक अंड मोक्षा आपको ये मैंने बता रखा है कि मोक्षा की जो संकल्पना है जो सबसे पहली बार आई वो कहां पर निर्वाण के रूप में सामने आता है और इसके लाने वाले व्यक्ति कौन है ये कौन ये है बुद्ध धर्म बुद्ध लॉर्ड बुद्ध ठीक है so, सो मोक्ष का मतलब क्या है कि सालवेशन कॉल्ड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ सो पुरुषार्थ का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है है दैट इज कॉल्ड मोक्ष ये जो है, उसका मतलब क्या है कि जीवन में आपको क्या करना है जो 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 जीवन जीवन है है आपके पास जो लाइफ है, उसमें अल्टीमेट जो गोल है वो आपका मोक्ष की प्राप्ति करना है और ये जो मोक्ष की संकल्पना है वो है कहां से लिया गया है वो बुद्धिज्म से लिया गया है फिर मैंने आपको बताया था कि जो मोक्षा दैट इज कॉल साल्वेशन हिंदू धर्म के अंदर हम लोग बात करें साल्वेशन में हिंदुइज्म के अंतर्गत और हम बात करें बुद्धिज्म के अंतर्गत तो बताया है कि साल्वेशन का है, ना? Hinduism, दोनों में भी फर्क है लेकिन पहली बार जो साल्वेशन का लाया गया दैट वॉज ब्रॉट बाई लॉर्ड बुद्धा ठीक है ना जो आपके पास देखेंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बात की जाती है जिस मोक्षा की बात की जाती है इट इज अ प्लेस टू सिक्योर आफ्टर योर डेथ इट इज वॉट इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस ये क्या है आपका जीवन में एक अनुभव है जो आपको इसी जीवन में मिलेगा आपके लाइफ में ही मिलेगा और ये आपको क्या है मरने के बाद प्राप्त होगा मरने के बाद प्राप्त होगा जबकि जो निर्वाणा का कंसेप्ट है जो बुद्धिज्म के अंतर्गत है वो आपको एक्सपीरियंस के द्वारा इसी धरती पर इसी जन्म में प्राप्त होगा सो दट इज वॉट दट इज कॉलपीरियंस दट इज कॉल द प्लेस सो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साल्वेशन दट वॉज प्रोपाउंडेड बाई द हिंदूज

स और नो फट मुझे बताए इफ यू वॉन्ट द आर्ट एंड कल्चर यू कैन ज्वाइन माई कोर्स इवन ऑन प्लस दिस इज माई कोर्ट पावन टेन आप यहां पर भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आर्ट एंड कल्चर मैंने पढ़ा रखा है नो फाकीबाजी फुल पढ़ाई फुल पढ़ाई आपने देखा है पॉलिटी भी मैंने आपको well कराया वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाया और अभी आपको आर्ट एंड कल्चर भी है सो so, आप डोंट वेस्ट योर टाइम आपको बता दूं कि अभी तक आपने इसको देखा भी नहीं होगा आपने इस तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा समझा भी नहीं होगा मैं मानता हूं अधिकांश लोग बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अपने इस तरीके से पढ़ाई किया भी होगा सो इफ यू वेस्ट योर प्लस इज वेटिंग फॉर यू दिस इज माई कोड यू कैन डू विज सो डोंट वेस्ट योर टाइम देखिए मुझे आज इतने साल में आज मौका मिला है कि YouTube पे मैं थोड़ी बातें आपसे कर पाऊं आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस को मेरे नॉलेज को जो मैंने पढ़ाया है यूपीएससी के लिए अगर आप इसको हार्डनेस करना चाहते हैं तो विदाउट वेटिंग विदाउट मेकिंग एनी डिले जस्ट गो थ्रू गो ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म का कोड अप्लाई करें आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे मेरे में रहेंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे मेरे अलावा जितने भी टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे पढ़ेंगे सभी को पढ़ेंगे बार बार आप लोगों को याद दिलवाता रहता हूं कि देखिए डोंट वेट फॉर द टाइम आप दो हजार बाईस के लिए कर रहा हूं इक्कीस के लिए कर रहा हूं तेईस के लिए कर रहा हूं हार्डली मैटर जो टॉपर्स होते हैं दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग टूडे आज करना शुरू करते हैं आपने बहुत सारे टॉपर्स के बारे में सुना होगा जो ट्वेल्थ में रहते हुए जो है उन्होंने तैयारी शुरू करी और नैंबर रैंक वन ले के आया आप जानते भी होंगे टीना डावी जी के बारे में कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बारहवीं में रहते ही तैयारी शुरू कर दी थी hmm. तो वाई यू आर मेकिंग अ डिले इसका मतलब आप डिले कर रहे हैं यू आर बिफोलिंग योर सेल्फ डोंट बिफोल योर सेल्फ अपने आपको बेवकूफ ना बनाएं यूपीएससी का एग्जामिनेशन है कोई ईजी सवाल नहीं है आपको अगर इस तरीके से भटकते रहेंगे तो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहेगा मैंने पॉलिटी पढ़ लिया हिस्ट्री पढ़ लिया ज्योग्राफी पढ़ लिया इकोनॉमी पढ़ लिया होगा कुछ भी नहीं इफ यू वॉन्ट टू बी बैलेंस प्रिपरेशन यू वॉन्ट टू हाव बैलेंस प्रिपरेशन आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए एंड दिस इज माई कोड यू मस्ट गो थ्रू दिस कोड पॉर्मेंटेंट अगर आपको लगता है कि मेरे कोड के साथ रहकर के आपको करना चाहिए थिंग ठीक है सो सो इट इट क्लियर सो यू शुड सो यू शुड ज्वाइन चॉइसिस आर योर मैं आपको बस बताने का काम कर सकता हूं आप तो इस निर्णय लेने का काम आपका अपना होता है यू हैव टू चूज यू हैव टू टेक द डिसीजन डिसीजन आपको लेना होता है ठीक है ना चलिए आ जाइए आगे हम लोग फिर बात करना शुरू करते हैं ठीक है सो दिस द फोर पुरुषार्थ इन योर लाइफ ठीक है अब देखते हैं कि अब भाई हम लोग बात करते हैं उपनिषद के अंतर्गत उपनिषद में उपनिषद स्पीक्स ऑफ फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ ठीक है ना मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है जीवन का है तो उपनिषद में बताया गया है ये कि, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को अगर हम लोग मान लें किसी भी व्यक्ति के जीवन को अगर हम लोग मान लेते हैं ठीक है तो ये आपके पास क्या है ये पूरा का पूरा एक सर्कल है यही जहां बताया कि किसी भी व्यक्ति की आयु मानी गई है सौ वर्ष ठीक है सौ वर्ष और इसको चार क्वाड्रेंट में बांटा गया द फोर क्वाड्रेंट इन योर लाइफ ठीक है एक होता है जन्म फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोर्स पच्चीस साल पचास साल पचहत्तर साल एंड अगेन हंड्रेड इन ठीक है सौ साल तो इसके आपकी चार अवस्थाएं बन गई ये उपनिषद में बताया गया दिस द फोर स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ

यानी कि आपको अपने जन्म से लेकर के आपकी 25 साल की उम्र तक आपको क्या करना होगा सेलिबेसी मेंटेन करना होगा यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा और इसी में आप जानते होंगे बहुत सारे हिंदू फैमिलीज में आपने परंपरा देखा होगा कि इस परम्परा में देखा होगा कि आपका जेनेऊ संस्कार होता है आपके जो बाल होते हैं उसको सेव ऑफ किया जाता है और सेव ऑफ करने के बाद आपको गुरुकुल आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ आप शिक्षा प्राप्त करते हैं यानी कि जो ये स्टेज ऑफ द लाइफ है यहाँ पर आपके पास क्या है आपके जीवन में आपको करना क्या है ये आप जान लीजिए कि आपको करना क्या होता है दिस इन दिस स्टेज ऑफ द लाइफ ये आपको ज्ञान प्राप्ति करनी होती है यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड ज्ञान प्राप्ति दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य ठीक है अगर हम लोग आगे फिर बात करें तो यहां के बाद अगर हम बात करते हैं तो जो पच्चीस से लेकर पचास तक है दिस इज कॉल्ड वॉट दिस इज कॉल्ड वन ये गृहस्थ आश्रम दैट इज कॉल्ड हाउस होल्डर ठीक है एंड मैं आपको बता दूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द लाइफ इसको बोला गया है माना गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द लाइफ स्टेज ऑफ लाइफ आज की भागती दौरती जिंदगी में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं मुझे लगता है दे आर कॉम्पिटेंट इन बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन अभी तक उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्टेज ऑफ योर लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय आपके पास आपको बहुत कुछ करना होता है इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट काम बताया गया है वह है इसका सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन मोर थिंग इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द लाइफ मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द लाइफ है यह प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द लाइफ यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादक जो आपके पास जो स्टेज ऑफ द लाइफ होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वह अपने वंश की वृद्धि करना जस्ट टू मूव ऑन विथ योर जनरेशन ठीक है ना सो यहां पर यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया स्टेज ऑफ लाइफ ऑन द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ माना गया स्टेज ऑफ लाइफ को इसको कंसिडर किया गया आई होप यू कुटैंड इट ठीक है सो ब्रह्मचर्या देन इट इज फॉलोड बाई गृहस्थ आश्रम ठीक है ना गृहस्थ आश्रम के फॉलो किया जाता है next, अगर हम आए, अगर हम बात करना तो आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां आपके हैं जो आपको दी गई हैं जो मिला है आपको जो आपको करना है वो सारे ऋण आपको यहाँ उतारने हैं वंश वृद्धि हो गई आपने सबको पढ़ा लिखा दिया सारा काम कर लिया और उसके बाद आप क्या करेंगे आपके पास जितना भी ऋण होता है आप देखिएगा कि गृह शास्त्र में एक ऋण उतारना होता है आप देखिएगा एक एक स्टेज ऑफ लाइफ आता है जो माता पिता आपके बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे पिंड दान करना है दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड द पितृ पितृ ऋण ठीक है ऋण अभी कुछ दिन पहले चल रहा था आपने देखा होगा कि पितृ पक्ष चल रहा था जिसमें इस प्रकार के ऋणों को उतारा किया जाता अदा किया जाता है और आपको जाकर इसके लिए एक तरीका यज्ञ करना होगा अपने जो पूर्वज हैं उसके लिए सारा का सारा दान देकर के अपने आप को मुक्त करना होगा कोई भी गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा तो दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द लाइफ यानी कि जितने भी आपके ऊपर ऋण हैं किसी भी प्रकार के ऋण हैं भूत ऋण 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 गुरु पितृ उन सभी को आपको अदा भी इसी में कर मोस्ट प्रोडक्टिव वन मोस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू मूव ऑन विथ योर जनरेशन अपनी वंश की वृद्धि करना है दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेज ऑफ द लाइफ आप पचास साल के बाद देखेंगे कुछ समय के बाद देखिएगा कि आप अपने आसपास जो बुजुर्गों को देखेंगे तो एक समय के बाद आप देखेंगे थोड़ा जो एक्टिव स्टेज ऑफ द लाइफ होता है उनसे थोड़ा मोह भंग उनका होना शुरू हो जाता है वो घर में थोड़ा कम रहते हैं थोड़ा बाहर ज्यादा समय बिताएंगे आप देखिएगा कि गांव में आपका जो कंसेप्ट होगा आप देखेंगे इस तरीके की चीजों को महसूस करेंगे कि इस तरीके के आपके गांव होते हैं घर होता है आप ये देखेंगे आपका घर है ये पूरा का पूरा घर है और इसी का ये पूरा आहता होता है इसी में एक छोटा सा जो है सो यहाँ पर हट जैसा होता है आप देखेंगे जो बाबा दादा जो बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं वो क्या करेंगे अब यहाँ से निकल के थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे जो गांव से लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे वो यहाँ आएंगे अपना यहां पर राम माला भजन करेंगे माला फिरते रहेंगे भगवान को थोड़ा सा याद करेंगे थोड़ा सा बच्चों के साथ आकर के इंटरेक्ट करेंगे फिर वापस चले जाएंगे अपनी स्कूटियां में जाकर रहना शुरू करेंगे दिस कॉल वन प्लस द स्टेज दैट इज कॉल वन प्लस दैट इज कॉल स्टेज ऑफ हारमिट ठीक है ना आप एक तरीके देखेंगे हारमिट बन जाते हैं आप ठीक है आना जाना ये सारी चीजें आपकी लाइफ में लगी रहती है एंड देन आपके लिए आएगा सन्यासी स्टेज ऑफ लाइफ जब आपको लगेगा कि अब आपको यहां से चलने का समय आ चुका है जब यू विल बी मतलब ये आपके आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि अब 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 जीवन का का अंत होने वाला है अब आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला है एट द लाइफ दे लीव होम ये क्या करते हैं घर छोड़ देंगे और सन्यास ग्रहण कर लेंगे एंड दे विल बिकम ठीक है आपने देखा होगा रामायण जब रामायण में आप देखेंगे जो रामानंद सागर वाली जो रामायण है उसमें देखेंगे जब राम जी अयोध्या से जब उनको बनवास मिलता है तो राम लक्ष्मण और सीता जब जंगलों से होकर जाते हैं तो जंगल में एक जगत सीन दिखाया गया है पूरा धुआं धुआं है हर तरफ देखेंगे लोग जो हैं सो क्या करते हैं एकदम आराम से साधु सन्यासी हवा पी रहे हैं और एकदम बिल्कुल तन मन धन लगा यज्ञ तपस्या योग कर रहे हैं आदि सो दिस इज द स्टेज ऑफ एसेटिक सन्यास का स्टेज है एंड फाइनली एट द एज ऑफ हंड्रेड आपका माना जाता है कि योर लाइफ इज गोइंग टू बी एंडेड सो इस स्टेज में आपका लाइफ समाप्त हो जाता है सो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास दिस इज फॉलोड बाय दिस इज गिवेन इन द उपनिषद दैट इज कॉल्ड द स्पीक्स ऑफ फोर्थ ऑफ द लाइफ जिसमें फर्स्ट हो गया ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन प्लस अनसन्यास ब्रह्मचर्य में आप क्या करेंगे सेलिब्रेसी मेंटेन करेंगे शायद जो गृहस्थ है उसमें आप हाउस होल्ड रहेंगे होल्डर रहेंगे वन प्लस में यू विल बिकम हारमेटर आध इन सं्यासी में यू विल बिकम वॉट एसेटिक इतनी बातें क्लियर है मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपके लिए जरूर निश्चित तौर पर क्लियर होंगी आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब रही बात कि जैसा मैंने बताया है कि जो पुरुषार्थ है उसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जस्ट तो, समर्थन दिया तो हम इस बात को कल -कल क्लास में करेंगे. Classes, क्योंकि मुझे गला फाड़ना नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट सम थोड़ा यहां रहेंगे ठीक है ये सारी चीजें पीडीएफ मिलेगा प्लस पे बाबू यहां अलाउड नहीं है इन सारी चीजों की क्लासेस सो so, मेरी बातें समझ पा रहे हैं और मेरी कोई भी बात आप लोग मानते ही नहीं ना कोई कमेंट लिखते हैं ना मैसेज करते हैं ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं ठीक है तो अगर आप लोगों ने पढ़ाने दिया तो कल इसको करते हैं यहां से हम लोग बात करेंगे अदरवाइज आप अपनी मालिक हैं ठीक है so, सो सभी लोग समझ पा रहे हैं यहां तक बातें समझ में आई तो एक बार प्लीज जरा मुझे बताएं कि हां चीजें समझ में आई हैं यू गॉट द ठीक है, चलिए मैं कुछ लोगों पर जरूर निश्चित तौर तो पे ध्यान दे रहा हूं कि मुझे लगता है कुछ गंभीर छात्र हैं इसलिए कर रहा हूं लेकिन कई बार आप समझ रहे हैं ना कि मैं इतना अच्छा कुछ करने की कोशिश भी कर रहा हूं और लेकिन समर्थन इतना कम आए तो थोड़ा सा मन छोटा जरूर होता है ठीक है बाकी लोग देख लीजिए सभी लोग समझ में आ रही चीजें ठीक है बाकी मैं बता दूं कि मेरी पूरी क्लास आर्ट एंड कल्चर की आपको मिल जाएगी प्लस के ऊपर आप code, आप ज्वाइन ज्वाइन कर कर सकते हैं प्लस दिस इज पवन लीजिए आपको सारी चीजें मिल जाएंगी सारी चीजें पवन टेन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ठीक है ना ठीक है सो चलिए सभी लोग समझ पा रहे हैं।

जितने भी बेस्ट एडुकेटर्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर आप उन सभी को आप क्या कर सकते हैं आप उनको आ, उनसे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं उन सभी को जितने को भी आप जानते हैं उन सभी से आप पढ़ सकते हैं जो भी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है यूपीएससी कैटेगरी में आप उन सभी के साथ आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं ठीक है ओके सर ओके थैंक यू सर बाय टेक केयर एवरी मिलते हैं शाम को चार बजे टिल टेक केयर ऑफ ब्लेसिंग्स एंजॉय योर डे हैव अ ग्रेट डे अहेड लेकिन आप लोग कमेंट करना ना भूलें प्लीज डू दैट डू दैट प्लीज कमेंट करें कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कमेंट लिखिए बताएं लाइक और शेयर कीजिए मैक्सिमम शेयर करेंगे आप शेयर करेंगे आप दूसरों को बताएंगे डेफिनेटली ये क्लास हाइक पे रहेगी अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा यहां पर ताने का क्या है मैं जंगल में जाके मोर नाचता है उसका क्या मतलब है जब तक बाजार में मोर को नहीं नाचा जाता है तो आप लोग हैं जो लोग इस मोर को नचवा सकते हैं आप इस चीज को मैक्सिमम शेयर कीजिए सो अमृत कुमार विश्वदीप कुमार मोहम्मद साहब तो इसको कितने लोग इसको लाइक और शेयर कर रहे हैं कितने लोग शेयर कर रहे हैं चलिए सभी लोग इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए मैक्सिमम रीच में कीजिए और जो भी लोग हैं मेरी क्लास में लाइव रहा कीजिए क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं दिमाग से नहीं हमेशा दिल की बातें रहती हैं बाय टेक केयर एवरीवन चार बजे शाम को मिलते हैं